सो एक और फैक्ट पता चला, ये जो नए 100 के नोट में आपको जो डिज़ाइन दिख रही है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमें पता चला है कि ये विषकन्या है, उसके 3 आउल है जो रात को नज़र रखते हैं। एक राजा दूसरे राजा पर अटैक करने के लिए विषकन्या का यूज़ करते हैं। एज यू कैन सी यहाँ इसके हाथ के पास है वो एक सांप भी है। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग आए हैं वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की जो साइट है पाटन में, रानी की वाव, वो देखने के लिए हम लोग आए हैं आज। और यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छी तरीके से ये पूरा मेंटेन किया गया है। एंट्री फीस है वो 35 रुपीज़ है पर पर्सन। अभी 2 लोगों की हमने QR कोड स्कैन करके जो 70 रुपीज़ पे किए इंडियन के लिए, तो वहाँ पर पूरा ऑनलाइन सिस्टम में आप QR कोड स्कैन करके पे कर सकते हो। आज अगर संडे है इसीलिए काफ़ी सारी फैमिलीज़ यहाँ पे आई है, वेल मेंटेन है, तो फैमिली के साथ आप हाफ डे के लिए आना चाहते हो डेफिनेटली वर्थ है, क्योंकि काफ़ी सारी फैमिलीज़ है एज यू कैन सी। काफ़ी वेल मेंटेन जगह है, बड़े बड़े ट्रीज़ है, तो आप उसके नीचे बैठ के आराम से पिकनिक टाइप कर सकते हो। खाना शायद मना है यहाँ पर अंदर लाना, तो अभी देखते हैं कि कैसी है रानी की वाव। तो ये रानी की वाव है, वो 11वीं सेंचुरी में रानी उदयमती ने बनवाया था, और 2014 से अब तक ये वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम है। अब चलिए थोड़ा नीचे जाके देखते हैं कैसी लगती है अंदर से ये वाव। एज यू कैन सी यहाँ पे जो स्टेप्स है वो स्टेपल की तरह नीचे ऊपर क्रॉस में आ रहे हैं। सीधे जो स्टेप्स आपको नीचे लेके आते हैं उस तरह नहीं है, ये क्रॉस में स्टेप है क्योंकि ये स्टेपल है, और यहाँ से कोई ऐसा स्टेप है। जैसा कि आप देख सकते हैं करण अलग अलग एंगल से फ़ोटो खींचने की ट्राई कर रहा है ताकि थंबनेल्स अच्छे बन सके। तो देखिए कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा करण, क्यों अच्छी थोड़ी फोटोज खींच रहे हैं, अगर थंबनेल के लिए अच्छी फोटो नहीं मिली। देखिए ये बालक कितनी मेहनत करता है, गौर से देखिए। सरस्वती रिवर जो है जिसके बैंक्स पे ये बना हुआ है पूरा रानी की वाव, उसने इस पूरे रानी की वाव को फ्लड कर दिया था, और 1940s में इसको रीडिस्कवर किया गया, और 1960s में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने इसको वापस रिस्टोर किया। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा जो नक्काशी का काम किया गया रिस्टोर करने से पहले और अब तक का, वो पूरा यहाँ पे दिखाता हूँ। एज यू कैन सी बहुत ही डिटेल में यहाँ पे सब चीज़ें की गई है। इस वजह से काफ़ी सारी जो चीज़ें वो फ्लड की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। सारे पिलर्स पे एज यू कैन सी सारे पिलर्स पे कोई ना कोई नक्काशी यहाँ पे की गई है। उसके अलावा आपको यहाँ पर अगर गाइड लेना है तो 300 से 400 रुपए में आपको गाइड मिल जाएगा, जो आपकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे आधे से पौने घंटे मैक्सिमम एक घंटे में आपको यहाँ की पूरी जो हिस्ट्री है, यूनेस्को साइट कैसे बनी, किस राजा ने बनाया, कितने साल लगे, वो सारी डिटेल जाननी है, तो आपको यहाँ पर आराम से 300-400 रुपये में गाइड मिल जाएगा। सरस्वती नदी का पूरा है ना, इसमें ये सब मिट्टी के अंदर चला है। अच्छा, पानी के अंदर था ना ये? हाँ, पूरा मिट्टी के अंदर था। अच्छा, तो 1958 में पता चला, 68 में बाहर निकाला। 68 में बाहर निकाला, तो उसमें ये सब है ना, मिट्टी वाला जो JCB से तो निकाल नहीं सकते, इसलिए धीरे धीरे पीछे पीछे से खोद खोद करके निकाला, तो ये निकालने में 10 साल लगे। 10 साल लगे निकालने में। अच्छा, तो ये पहले से स्ट्रक्चर, इसमें कुछ नया किया नहीं गया? पहले से ही है, ऊपर का ही खाली, जो ऊपर का दिख रहा है नया पत्थर। अच्छा, वो ऊपर का 3 स्टॉक है वो सपोर्ट के लिए नया बना। अच्छा, और ये कितने माले का है? ये 7 माले का। 7 माले का।
सो एज यू कैन सी, जैसे हमने गाइड से पूछा कि ये जो पानी के वजह से जो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था उसको 1980s में गवर्नमेंट ने 1980s में गवर्नमेंट ने वापस रिस्टोर किया, पीछे से पूरा काम करके इसको निकाला है। और ऊपर का जो सेक्शन है मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो ऊपर का सेक्शन है वो अभी मैंने आपको दिखाया वो गवर्नमेंट ने बनवाया नए से, वो पहले इसमें नहीं था। टोटल 7 माले की, मतलब 7 फ्लोर्स की ये जो है पूरी वाव है। तो जो गाइड थे हमने एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया, ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 प्रिंट आपको दिख रही है, जस्ट अ मोमेंट, ये जो आपको 7 प्रिंट दिख रही है वो 7 प्रिंट और दूसरी तरफ 7 प्रिंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये दूसरी तरफ जो ये 7 प्रिंट आपको दिख रही है, ये 7 और 7, 14 प्रिंट है जो पटोला की साड़ी है, जो कि पाटन की बहुत ही फेमस होती है पटोला साड़ियाँ, उनमें जो ये वर्क्स है वो देखने को मिलते हैं। पटोला की जो साड़ी होती है, पटोला मतलब साड़ी को बोलते हैं टाइप के, वो पाटन के जो पटोले होते हैं उसमें ये 14 डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी। और ये है विष्णु भगवान का कल्कि अवतार जो कलयुग में अब आएगा, ये यहाँ पर बना रखा है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमें पता चला है कि ये विषकन्या है, उसके 3 आउल है जो रात को नज़र रखते हैं। एक राजा दूसरे राजा पर अटैक करने के लिए विषकन्या का यूज़ करते हैं। एज यू कैन सी यहाँ इसके हाथ के पास है वो एक सांप भी है। ये आपको जो हाथी के नीचे आदमी जैसा दिख रहा है वो एक्चुअल में राजा, जब पुराने ज़माने में आपने किसी प्रजावान को पनिशमेंट देना चाहता था चोरी है या फिर किसी भी जुर्म के लिए, तो ऐसे ही उसे हाथी के नीचे कुचलवा के पनिशमेंट देता था। और ये यहाँ पर भी है, मतलब जब हम लोग यहाँ पे आए थे तब हमने सोचा था कि फ़ोटोग्राफी करेंगे थोड़ी सी, थोड़ा सा स्कल्पचर वो सब देखेंगे और फिर निकल जाएंगे, बट यहाँ पे एक एक स्कल्पचर का बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है, मीनिंग है उसके पीछे। डेफिनेटली इट जस्ट ब्लू माई माइंड कि इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में, जस्ट इमेजिन के कितना टाइम लगा होगा ये सब इसको यहाँ पे करने में दीवार पे। और ये 7 माले का है, जस्ट इमेजिन कितना ऑसम ये स्ट्रक्चर रहेगा, जब आप यहाँ पे आके विजिट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा है। तो ये जो सेक्शन है ना, ये नीचे यहाँ पे ये जो बंद लग रहा है आपको, हमने जो भी नीचे वीडियो में दिखा है वो बंद इसीलिए है क्योंकि वो डैमेज हो चुका है भूकंप की वजह से 2001। यहाँ पे नीचे कुआ है जो 27 मीटर डीप है। अभी जो हमने गाइड से पूछा यहाँ पे, तो यहाँ कुएं के अंदर आपको ये दिखेगा, ये जो बीच में है यहाँ पे, ये शेषनाग है और इसके नीचे विष्णु भगवान सोए हुए हैं। ऐसी कार्विंग्स की गई है कुएं में अंदर, 3 लोग दिखाए गए हैं, स्वर्ग लोग, पृथ्वी लोग और पाताल लोग, और तीनों के लिए ऐसी कार्विंग्स, ये जो कार्विंग यहाँ पे आपको दिख रही है विष्णु भगवान की शेषनाग के नीचे सोते हुए, ऐसी सारी कार्विंग काफ़ी सारी है। वो मैं अभी इमेजेस दिखा रहे थे अपने फ़ोन में जो उन्होंने शूट किए हैं, उन्होंने क्लिक किया, अभी तो जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पर दिवाली और वर्ल्ड हेरिटेज डे जो होते हैं दोनों दिन यहाँ पर लाइटिंग होती है, तो अगर लाइटिंग देखनी है तो आप आ सकते हो इन्हीं 2 दिनों पर। मैंने जो आपको विष्णु भगवान के जो स्कल्पचर्स बताए जो यहाँ पर वेल में किए गए हैं, वो भी इनके पास फोटोज़ है जो हमें दिखाई, फ़ोटोज़ तो आपको नहीं दिखा सकते, उन्होंने हमें दिखाई, पर बहुत ही ऑसम है। अगर आपको वो देखना अंदर से तो फिर आपको बड़ौदा से परमिशन लेके आनी पड़ेगी। सो एक और फैक्ट है पता चला, ये जो नए 100 के नोट में आपको जो डिज़ाइन दिख रही है, ये एक्चुअल में ये डिज़ाइन है रानी की वाव की डिज़ाइन है जो आपको नए 100 के नोट पर यहाँ पर दिखने को मिल गया, और यहाँ पर लिखा भी है रानी की वाव। जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो हमने सोचा था कि फ़ोटोग्राफी क्लिक करेंगे, देखेंगे कैसी है रानी की वाव, थोड़ी सी हिस्ट्री में पता थी, पर इतनी सारी दीवारों पे जो ये स्कल्पचर बनाए हुए किसी की भी हिस्ट्री में पता नहीं थी। वो हमारे साथ जो गाइड था बहुत ही अच्छा था, हमने काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है, जो जो एक एक स्ट्रक्चर है, जो जो एक एक चीज़ें बनाई गई है दीवारों पर वो क्या इंपॉर्टेंस रखती है, उसके पीछे की स्टोरी क्या है। डेफिनेटली आप यहाँ पर आ रहे हो तो गाइड रखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। और अगर आपको गाइड नहीं लेना है तो डेफिनेटली आप वीडियो देख सकते हैं, मैं काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में बताई है। और जो मैं आपको बोल रहा था कि 7 माले का बड़ा कैसे पता चलेगा, यहाँ पे अंदर 3 फ्लोर्स है और ये पूरा यहाँ तक ऊपर है 7 फ्लोर्स का। तब हम लोग आ गए रानी की वाव से बाहर, और पीछे की तरफ जाके देखते हैं कि वहाँ से हमें जो कुआ है अंदर वो दिखता है या नहीं।